हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आइए, आपका टाइम हो चुका है, बज रहे हैं शाम के 4। कल आपकी एक ही क्लास हुई थी बिकॉज आई हैव सम इंजरी ऑन माय हैंड, राइट हैंड, बट आई विल मैनेज एनी हाउ। थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज़ है, देखते हैं क्या है। इस वजह से नहीं कर पाई और फिलहाल के लिए कोई नहीं, जैसे जैसे रिकवर होगा हम करेंगे। थोड़ा बहुत इंजरी कुछ हो गई है लग रहा है। चलिए बात करते हैं फिर, यहाँ पर क्या है। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास के साथ, मैं हूँ शालिनी, आपका यहाँ पर स्वागत कर रही हूँ। आपको हर एक चीज़ बताई जा रही, समझाई जा रही है। आपको ध्यान रखना है, टीरी टाइम पर आना है। टाइम पर आने का प्रयास करिए। देखिए, आपका ऑलमोस्ट बहुत सारा सब्जेक्ट मैं चेकआउट कर रही थी, लगभग संस्कृत ओवर है, हिंदी ओवर है, और आपका कंप्यूटर में भी 2-3-4 क्लास और बची है, नहीं तो कंप्यूटर भी आपका ऑल ओवर है। आपके फिजिक्स की एक दो क्लास शायद और होगी, एक क्लास शायद और होगी, नहीं तो फिजिक्स भी ओवर है, केमिस्ट्री पे चलना है। ये मान के चलिए, अगर आप पंचुअलिटी के साथ डेली आते हैं, बिना कहे लाइक करते हैं, फीडबैक भी देते हैं कैसा है, तो आपका हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस और एक कोई और पेपर जहाँ तक होगा कि शिक्षण अधिगम, उसमें बहुत कुछ नहीं बचा हुआ है। जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती चल रही हूँ। तो आपके 5 सब्जेक्ट मैं ख़त्म कर दूंगी, बचेगा सिर्फ मैथ पेपर 1 और आपका क्या कहते हैं वो सामाजिक अध्ययन। बाकी सारे मैं आपको जनवरी में क्लियर कर दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको पंचुअल होना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं बात को, क्योंकि इसके बीच में आपको टीचिंग की फाइल, असाइनमेंट फाइल, इन सब चीज़ों के भी बारे में पूरी जानकारी देनी है, बतानी है, तो वो भी सारी चीज़ें होंगी। तो मैं क्लास को नहीं रोक कर वो अलग से दूंगी ताकि आपकी क्लासेस चलती रहे। ये चाहती हूँ कि आपका जनवरी में क्लोर्स कवर कर दूँ, जो और बच्चा रहेगा वो चलता रहेगा साथ साथ, क्योंकि उसके सिलेबस बड़े हैं। तो सिलेबस बड़े हैं तो टाइम वो लेंगे, क्योंकि और समय भी अभी फ़िलहाल के लिए है। और उसके बाद आपका जो फिर जो जो सब्जेक्ट होता जाएगा, मैं 3-4 और कवर करवा दूँ, फिर उनके पेपर, उनके क्वेश्चंस करवाऊँगी, ताकि आप उनके क्वेश्चंस को अब प्रिपेयर करें। तो आपको डेली आना है 4 बजे शाम को, 5 बजे सेम टाइम पर क्लास चल रही है, एक ही जैसे, और पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखिए वहाँ से समझिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। एक बात ये ध्यान रखें कि कभी कभी सीरीज में बहुत सारी चीज़ें गलत दी रहती हैं, तो उसके लिए कि मैं आपको कुछ बताऊँ, आप सीरीज में कुछ देख रहे हो तो सीरीज में बहुत कुछ गलत प्रिंट रहता है, वही चीज़ पवन में कुछ दिया रहता है, राधन में कुछ दिया रहता है, तो उसके एक आपको लगता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो थोड़ा सीरीज़ को ध्यान रखिएगा, और सीरीज़ में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के टिक किए रहते हैं, कौन से ध्यान दिया है, जो बहुविकल्पी दिए रहते हैं सीरीज़ों में, वो मोस्टली गलत रहते हैं, वो लोग गलत उसमें टिक कर देते हैं, बच्चे वही याद कर लेते हैं। इसीलिए आप पढ़ते रहिए, बुक से देखिए, जो मैं बता रही हूँ उससे मैच करिए, नहीं तो उसमें जो अति लघुत्तरी और लघुत्तरी, अति लघुत्तरी मेनली सीरीज से पढ़ते थे, जितने चैप्टर आपने कर लिए हैं उसके सीरीज से, वो चैप्टर के क्वेश्चंस जो है सीरीज से कवर करते चलिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, आप बढ़िया कर ले जाएंगे। और एक काम और करना है, डेली मैथ को 2 घंटे लगाइए, 90% का टारगेट हम लेकर चल रहे हैं। मैं आपकी डेली क्लासेस लेती हूँ, मैं क्लास कह कर बंक नहीं करती हूँ सबकी तरह, इस बात को ध्यान रखिएगा कि कह दूँ वो क्लास वो फिर ना हो, ये मैं नहीं करती। मैं एज ए पंचुअलिटी के साथ आपकी क्लासेस प्रॉपर तरीके से डेली करवाती हूँ। कल नहीं हुई थी वो, मैंने आपको बताया कि क्यों नहीं हुई थी, तब भी मैंने आज पूरी कोशिश की है कि दोनों आपकी क्लासेस टाइम से करें। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी वो भी मैथ की होगी, आज आपका मैथ का भी अब क्लासेस डेली चलने का है कि डेली आपके मैथ्स भी होंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो ये हो गई आज की बातें, जितनी मैंने आपको अपडेट दे दी। मैं इस छोटी अपडेट देने के लिए एक बड़ा वीडियो नहीं बनाती, आपका टाइम नहीं लूँगी, इसी में बता दूँगी आपको, आपके लिए भी अच्छा, मेरे लिए भी अच्छा, क्लियर। चलिए क्या देख रहे हैं हम आज, हम ये टॉपिक मैंने इसको स्टार्टिंग में छोड़ रखा था कि लास्ट के टाइम पर बताएंगे ताकि एग्ज़ाम में हेल्प हो, क्योंकि अब जितने टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बहुत बनते हैं, तो नोट्स जो है इसकी बना कर रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ध्यान से, या बुक है या जैसा भी है इसका एक सोर्स रखिएगा CDP का ज़रूर, क्योंकि काफ़ी काम आएगा। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो आप ज़रूर से ज़रूर जाकर टेलीग्राम पर नोट्स को परचेज कर लीजिए, लापरवाही मत करिए, क्योंकि बैग का फॉर्म भरेंगे तो 1500 रुपये का एक बैग का फॉर्म होता है, अगर 2 सब्जेक्ट में बैग लगेगी तो आपके 3000 ऐसे ही चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि नोट्स लेकर पढ़ाई करिए, उस चक्कर में मत पड़, क्योंकि सीरीज़ में सारी नॉलेज नहीं दी रहती है, सब कुछ नहीं दिया रहता, आउट ऑफ सिलेबस भी पेपर आता है, तो ऐसा मत सोचिए, एक सेमेस्टर में करिए देखिए, उसके बाद नेक्स्ट में जैसा होगा अपने मन से करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी आपको पता नहीं तो सीधी बात आपको बताई जा रही है, क्लियर। यहाँ तक आप समझ पाए, चलो
जिन्होंने लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो। टॉपिक है आज वंशानुक्रम एवं वातावरण, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी से जुड़ा हुआ टॉपिक हम करेंगे आज। चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एनवायरनमेंट और वातावरण वंशानुक्रम आप समझते ही हैं। अब एक एक टॉपिक को पहले देखेंगे। तो सबसे पहले जो पढ़ना है वो है वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा। वातावरण क्या होता है? तो हमारा जो चारों तरफ वातावरण है, एनवायरनमेंट है, जहाँ हम रह रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब के सब वातावरण के अंतर्गत ही आते हैं। ऑल अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट वी लीव। हम हमेशा अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रहते हैं, उठते बैठते कार्य करते हैं। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपको एक प्रश्न बनेगा एक नंबर का कि वातावरण का अर्थ क्या होता है। मेनली पूछते हैं कि वातावरण की परिभाषा क्या है, आप वातावरण से क्या समझते हैं, वातावरण क्या होता है, एक नंबर दो नंबर का लिखने को आएगा। तो पहले अर्थ समझते हैं। तो कह रहा है कि वातावरण पर्यावरण से भिन्न नहीं है। जी हाँ, बोथ आर सेम। वातावरण और पर्यावरण दोनों एक ही हैं, पर्याय हैं एक दूसरे के। वातावरण पर्यावरण का ही एक पर्याय होता है। जी हाँ, अर्थात मतलब क्या है कि हमारे आसपास का जो माहौल है वही वातावरण है और वही पर्यावरण कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? हम जैसे मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो उसको वातावरण का नाम दे देते हैं, साइंस पढ़ते हैं तो हम एनवायरनमेंट का नाम दे देते हैं। तो है दोनों एक ही, जैसे होता है ना आग का अग्नि होता है, अनल होता है, वैसे ही वातावरण का ये पर्यावरण दोनों एक दूसरे का अभिप्राय है। वातावरण लिखा हो तो पर्यावरण लिखा हो तो साइंस की भाषा में पर्यावरण लिख देते हैं, वो मनोविज्ञान की भाषा चल रही है तो वातावरण से उसको संबोधित करते हैं। अब आगे इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, परिभाषाओं से आपकी मुलाकात करवाते हैं। देखिए, ये रॉस साहब हैं, इनके बारे में आपने कई बार सुना है, बहुत सारी परिभाषाएं इन्होंने दी हैं, अलग अलग पहलुओं पर अपनी बात को सामने रखा है। अब रॉस साहब ने क्या कहा है, वातावरण वह बाहरी शक्ति होती है जो हमें प्रभावित करती है। जैसे आपको प्रश्न बना कि वातावरण क्या होता है तो आप लिख दीजिएगा, वातावरण एक ऐसी बाहर की शक्ति होती है जो हमें प्रभावित करती है। बस आप इतना ही लिख देना। अगर आप चाहना तो ये भी लिख देना कि रॉस के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति होती है जो हमें प्रभावित करती है। तो आपका एक नंबर का जो प्रश्न रहेगा वो 3 से 4 लाइन में आ जाएगा, तो बड़ा भी दिखाई देगा और नंबर भी पूरा मिल जाएगा। और बहुत सिंपल सी साधारण सी परिभाषा है। अब आइए इस परिभाषा से आपको एक बात बताती हूँ। ये जो परिभाषा है ये 101% इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि टेट में बहुत पूछता है, ये टेट का फेवरेट क्वेश्चन है, टेट सीटेट का बहुत बार पूछता है ये। और सबसे अच्छी बात, आपके पेपर में पता है क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा रॉस के अनुसार वातावरण की क्या परिभाषा, ऐसा कभी नहीं पूछेगा। आपको पूछेगा कि वातावरण वह बाहरी शक्ति होती है जो हमें प्रभावित करती है, किसका कथन है, मतलब ये स्टेटमेंट किसने दिया है। तब आपको ऑप्शन में हो सकता है कि रॉस का, वुडवर्थ का, थॉर्नडाइक का और नन का ऑप्शन दे दे, तब आपको ये वहाँ पर टिक करना होगा कि वातावरण बाहर की वह शक्ति होती है जो हमें प्रभावित करती है, ये तो रॉस साहब ने कहा था। तो जब आपको याद होगा तभी आप रॉस पर टिक कर पाएंगे। बहुविकल्पी में कथन के प्रश्न आते हैं, इन्हीं को कहते हैं कथन वाले प्रश्न, कि कथन आपको दे देगा, पूछेगा किसने दिया है। या तो कभी कभी क्या करता है कि आपको जो है अलग तरीके से पूछ लेता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर रॉस साहब ने बोला कि वातावरण एक ऐसी बाहर की पावर होती है, एक ऐसी एनर्जेटिक वाइब्स होती है, एक्सटर्नल वाइब्स होती है जो हमें प्रभावित करती है, अच्छे तरीके से भी करती है, निगेटिव तरीके से भी करती है। क्योंकि एनवायरनमेंट का जो असर है वो बच्चों पर ज़रूर पड़ता है। जैसा सामने वाला करता है, छोटे बच्चे हूबहू वो चीज़ करते हैं, बड़े तो मान लीजिए समझदार है क्योंकि वो शायद ना भी करें एक पल के लिए, लेकिन छोटे बच्चे सामने वाला एकदम सेम टू सेम कार्य को करता है। तो यही चीज़ इन्होंने, रॉस ने बोली कि वातावरण जो होता है वो बाहर की एक ऐसी वाइब्स होती है, ऐसी पावर होती है जो हमें प्रभावित करती ही करती है। तो ये परिभाषा रॉस की है। क्लियर यहाँ तक? तो मैंने आपको एक परिभाषा रॉस की बता दी। आइए इसी के साथ वुडवर्थ साहब की, इनका भी नाम आप जानते हैं। हेलो वुडवर्थ साहब, कैसे हैं आप? इनकी परिभाषाएँ बहुत सारी आती हैं, अभी तो थोड़ी कम है, लेकिन टेट के पेपर में लॉट्स ऑफ परिभाषा आपको मिलेगी, लॉट्स ऑफ डेफिनेशन आप याद करते कन्फ्यूज होंगे क्योंकि उनमें परिभाषा बहुत पूछते हैं। तो कथन के प्रश्न इनके जो परिभाषाएं हैं उनसे आती है। अगर आपको परिभाषा पूछ रहा है तो आप आराम से इसको एक नंबर दो नंबर में लिख दीजिए। क्या कहा है पढ़िए, स्क्रीन पर सबको क्लियर दिख रहा है, ना दिख रहा तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए अपनी। देखिए वुडवर्ड साहब के शब्दों में क्या बोला इन्होंने कि वातावरण में वे सभी बाहर के तत्व तो आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से ही प्रभावित किया है। इन्वायरमेंट में वो सभी बाहर के तत्व का मतलब अच्छाई, बुराई, नफरत, प्रेम, घृणा, दोस्ती, दुश्मनी, भाईचारा, बंधुत्व, सारी एक एक जितने भी तत्व का मतलब कोई समान नहीं, वो बिहेवियर, वो गुण आ जाता है
जो हमें शुरू से ही लेकर प्रभावित करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि जब एक छोटा सा बच्चा है, 6 महीने का है, 2 साल 3 साल, तो उसका एनवायरनमेंट उसके फैमिली के तहत ही रहता है, इर्द गिर्द तक आस पड़ोस में, तब जाएगा जब वो फर्स्ट क्लास में जाएगा। फर्स्ट क्लास से सेकेंड जैसे बढ़ेगा, थोड़ा और गली मोहल्ले में बढ़ेगा, और बढ़ा तो और बढ़ा, उसके बाद फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो स्कूल तक, 6th तक से स्कूल तक गया, फिर और बड़ा हुआ तो 10th 12th तक गया, फिर और बड़ा हुआ तो कॉलेज गया, फिर और बड़ा यूनिवर्सिटी तक गया। तो उसका दायरा जैसे पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना 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 करते करते बढ़ता गया, तो यहाँ पर एक अलग इन्वायरमेंट, यहाँ पर अलग, फिर यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, जैसे जैसे बड़ा होता गया उसका इन्वायरमेंट का दायरा बड़ा होता गया, लोग उसको नए मिलते गए, तो बाहर के जो तत्व उसको मिल रहे थे वो उसको अलग अलग मिलते गए। तो वो उसको बचपन से ही, जैसे उसका जीवन आरंभ हुआ तब से ही उसको एक बाहर के तत्व, व्यक्तियों का ऐसा तत्व, बिहेवियर का मिलता गया, जो उसको समय के साथ जैसे जैसे बड़ा होता गया प्रभावित करता गया। अच्छा एनवायरमेंट रहेगा, बच्चा अच्छा होगा। आप अक्सर देखते हैं कि वो देखिए, जो अब्यूज़ करना, गाली देना होता है, मेनली आप ये बात चीज़ नोटिस किए होंगे कि गांव के बच्चे गाली देते हैं। मैंने भी देखा है कि इन देखिए, देते तो हर जगह के हैं, चाहे शहर के हों चाहे गांव के हों, बट मेनली जो है वो गांव के बच्चे जो छोटे छोटे रहते हैं, अगर उनका सही से लालन पोषण नहीं हुआ है, माँ बाप उनके स्ट्रिक्ट नहीं है, टाइट नहीं, देखिए गाँव में भी अच्छे होते हैं, ये नहीं कि गलत होते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से फैमिली से रहते हैं, उनके माँ बाप उनको समझाते हैं तो वो नहीं करते हैं, लेकिन मेनली आप देखोगे तो देते हैं वो, इन कंपेरिजन टू शहर। तो वो क्या है, अगर उन्हें नहीं डांटा जाएगा, स्कूल में नहीं डांटा जाएगा, घर में नहीं बताया जाएगा, नहीं समझाया जाएगा, तो वो गलत रास्ते पर चले जाएंगे। तो यही चीज़ होती है, नोटिस कर रहे हैं आप, ऐसा मेनली होता है, 50% होता है, 50% नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान से, वही है इन्वायरमेंट का फ़र्क है, इन्वायरमेंट जैसा होगा वैसा नहीं होगा। अच्छा वो एग्जांपल छोड़ दीजिए और सोचिए, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, ठीक, हमारे घर के जो बच्चे हैं वो हिंदी नॉर्मली सीख जाते हैं, क्या उन्हें हम हिंदी की कोई कोचिंग करवाते हैं? नहीं। लेकिन अभी हम उनको इंग्लिश की कोचिंग करवाने को भेजते हैं तो वो अपने शब्दों से, मुँह से शब्द को ही नहीं निकाल पाते, और उसी जगह फॉरेन कंट्रीज़ के जो बच्चे हैं वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि वो उनकी भाषा होती है। तो इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ा ना, एक नवजात बच्चा उनका भी था, एक नवजात बच्चा हमारा भी था, वो हिंदी में माहिर हुआ, उनका इंग्लिश में माहिर हुआ, तो फ़र्क किसका पड़ा? इन्वायरमेंट का पड़ा। तो यही मैं आपको समझाना, तो बाहर का तत्व तो कौन सा था? उसके माता पिता, उसके फ्रेंड्स, कलीग, हमारे माता पिता, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कलीग, हमारे क्लासमेट, हमारे सोलमेट्स। तो ये चीज़ें होती हैं, समझ में आई बात कि कैसे प्रभाव पड़ा है? प्रभाव जो पड़ता है वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए पी जिसबर्ड के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि वातावरण उन सबको कहते हैं जो किसी वस्तु के चारों ओर से घेरे रहती, उस वातावरण को हम एक, मतलब एक सामान के चारों इर्द गिर्द जो चीज़ें घूम रही हैं, अच्छाई बुराई, सामान, कपड़ा लत्ता, जितनी भी चीज़ें घूम रही हैं उसके चारों तरफ, जो भी चीज़ें उसके राउंड एंड राउंड इन्वॉल्व हो रही है, उस पर डायरेक्ट प्रभाव डालती है। हाँ ये सच है, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे एक बैलून वाला अगर एक मोहल्ले में आ रहा है, गली सोसाइटी में बैलून बेच रहा है, अगर एक बच्चा, दोनों फ्रेंड्स है, एक बच्चे के बच्चे ने लिया है, तो उस बच्चे को भी चाहिए तो चाहिए, हमें दो, हमें दो, हमें दो, इज्जत करते हैं, वो पैर पटकते हैं, वहीं लेटने लगते हैं, छोटे बच्चों में कितनी आदत देखने को मिलती है। तो इन्होंने बोला कि वातावरण वो सब कुछ होता है जो सारी वस्तु, कैसे, वो एक गुब्बारा, गुब्बारा क्या है, थिंग्स है, हम उसका प्रभाव हम पड़ा ना, पड़ा कि नहीं पड़ा? तो यही चीज़, अगर वो देख के कैसे किया, उसके दोस्त को मिला तो मुझे भी चाहिए, तो दौड़ कर अपने घर पर आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? तो ये जिसबर्ड साहब की परिभाषा, 3 परिभाषा मैंने ली, आप कोई एक दो याद रखो, वैसे मेनली जिसबर्ड की नहीं याद रखो, उनकी कम पूछता है, इन दोनों लोगों की याद रखो, दोनों की बहुत अच्छी परिभाषा है जो आपके टेट, सीटेट में, सुपर टेट में काम आएगी और आपके डीलेट में भी काम आएगी, तो एक पन दो काम आपके हो जाएंगे। अब इसी के साथ हम आगे बढ़े, चलिए आगे आइए, अब बात करते हैं बालक पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। आपको प्रश्न आएगा कि वातावरण का प्रभाव लिखिए, वातावरण के 3 प्रभाव लिखिए, वातावरण के 2 प्रभाव लिखिए, तो आपको लिखने को जब फ्रेंड्स देखिए, एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का जो अति लघु उत्तरीय होता है, एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, अब दोनों में से कोई एक ही आएगा, दो नहीं आएगा। अब देखो अगर प्रश्न आए अति लघु उत्तरीय में कि वातावरण का 3 प्रभाव लिखिए, वातावरण का क्या प्रभाव होता है, वातावरण के प्रभाव से आप क्या समझते हैं, तब आप कोई 5 पॉइंट लिख देना, मैंने तो 8 लिए हैं, कोई भी आप 5 लिख देना, ठीक, सिर्फ ऐसा ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिख देना। अगर यही प्रश्न आपको 2 नंबर वाले में आए, लघु उत्तरीय में आए,
तब आप इसमें से कोई तीन पॉइंट लिखना और उसमें एक लाइन लिख देना, समझ रहे हो कैसे ना, कि जैसे आपने ये लिख दिया पहला पॉइंट कि वातावरण का शारीरिक अंतर पर प्रभाव पड़ता है, तो क्या पड़ता है, तो उसके आगे ऐसे डैश करके उसमें थोड़ी सी बातें लिख देना, तो ऐसे कोई तीन लिख देना, बस समझ रहे हैं। ये नंबर लेने का तरीका होता है कि एक नंबर का प्रश्न पूछा गया है तो हम कितना लिखेंगे, दो नंबर का पूछा गया है तो हम कैसे, जब दो नंबर का पूछे तब उसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करो, नहीं पूछा है तो छोटा छोटा नंबरिंग डालकर आप पाँच पॉइंट करके लिख दो, तो पेज भी भरा, कॉपी भी भरी, साफ़ सुथरा लिखा भी और चीज़ें भी क्लियर हो गई, तो एग्जामिनर ने चेक किया और आपको पूरे फुल टू नंबर दिए, ठीक है आप समझ के। चलिए तो पहला प्रभाव क्या पड़ रहा है, वातावरण का शारीरिक अंतर पर प्रभाव पड़ता है, हाँ बिल्कुल पड़ता है, जैसे अभी देख कर करना, एक्सरसाइज करना, सीखना, योगा करना, टहलने जाना, ये काम हम बड़े होते हैं तो करते हैं, तो शारीरिक अंतर पर प्रभाव पड़ता है हमारा, हम देख कर करते हैं, हाँ छोटे रहते हैं थोड़ा सा बच्चा समझदार होता है, थोड़ा सा अगर 1 साल 1.5 साल का हो रहा है तो देखिए जैसे पेरेंट्स करेंगे उसको समझाएंगे तो वो भी करता है कि नहीं करता है, तो वो भी थोड़ा बहुत इधर उधर इधर उधर जितना हिला पाएगा अपना अंग उतना हिलाता है, तो धीरे धीरे करके वातावरण का उसके शारीरिक अंतर पर प्रभाव पड़ने लगता है। अब आगे चलकर ये अंतर अलग तरीके से हो जाता है, लेकिन अभी जो है वो नॉर्मल तरीके से, हम अस्तर छोटे पड़ रहे तो छोटा ही जानेंगे। मानसिक बुद्धि पर हाँ मेंटल पावर का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, अगर सारे लोग इंटेलिजेंट हैं, मंद बुद्धि में भी कभी कभी कुछ एक्सेप्शन निकल जाता है कि तेज़ हो जाते हैं बच्चे, नहीं तो अगर सब कुछ सही तो बच्चे काफ़ी एक्टिव होते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत मंद रहते हैं, एकदम चुपचाप बैठे, इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, ठीक है ना, शांति से बैठेंगे ना शांति से बैठेंगे, कुछ बच्चे होते हैं अपने मस्त होते हैं, अलग अलग तरीके का बिहेवियर है। वातावरण का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, वातावरण पर बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है, हाँ हमारी इंटेलिजेंस पावर में फ़र्क पड़ता है, जैसा हमको इन्वायरमेंट मिलेगा, इंटेलिजेंस लोग रहेंगे, हम सीखेंगे, मेहनत करेंगे। नेक्स्ट है वातावरण का व्यक्तित्व प्रभाव, उसके जो बिहेवियर होता है, उसकी जो एक छवि होती है, उसके सब पे इफेक्ट पड़ता है। प्रजाति की श्रेष्ठता, अगर ये जाति प्रजाति का जो गुण है ना, ये बड़े होने पर आता है, छोटे बच्चों को कोई भी जाति, कौन सी कास्ट का, धर्म का कोई मतलब नहीं होता है, वो सबके साथ हाथ खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, उठते बैठ सब करते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो उसका एक, जब उनको मतलब वो कह सकते हैं कि उनके दिमाग में बातें रिवॉल्व करने लगती, तब उनको होता है नहीं ये दूसरा ये दूसरा, ऐसी भावनाएं बड़े होने पर आती, छोटे बच्चों में कुछ नहीं होता है। अनाथ बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, हाँ पड़ता है, अगर कुछ बच्चे हैं अनाथ हैं, ऑर्फन हैं, कोई ले लिया अडॉप्ट कर लिया तो बात की बात है, नहीं तो उनका वो गलत रास्ते पे मेनली चले जाते हैं, अनाथ बच्चे मेनली गलत रास्ते पे चले जाते हैं, और कोई ऑर्फन किया है तो अलग बात है, मतलब अडॉप्ट किया है तो। जुड़वा बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, दो बच्चे एक साथ जुड़वा हो रहे हैं तो कभी कोई कोई बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई बच्चे को अपने ही भाई बहन से एनिमी हो जाती है कि नहीं उसको ज़्यादा प्यार होता है हमें कम प्यार होता है, उसको चीज़ें ज़्यादा मिलती हमें कम मिलती, बड़े भाई बहन में भी होता है, बड़े वाले को ज़्यादा मिल गया तो दिक्कत, छोटे वाले ज़्यादा मिल गया तो दिक्कत, तो छोटे छोटे चीज़ों को लेकर मन में जो एक जो है वो फिर ना बैठता रहता है, फिर बाद में वो बड़ा बन जाता है, इसलिए छोटे बच्चों को हर एक चीज़ शुरू से ही क्लियर करनी चाहिए। वातावरण पर बालक पर बहुमुखी प्रभाव पड़ता है, हाँ पड़ता है, ये बहुमुखी अच्छे तरीके से भी पड़ता है, निगेटिव तरीके से भी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये बात नहीं लिखी है कि ये कौन सा प्रभाव पड़ रहा है, नकारात्मक पड़ रहा है कि सकारात्मक पड़ रहा है, ये बात नहीं, दोनों पड़ता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें से क्या ग्रहण करते हो या आप किस रास्ते पर चलकर उस चीज़ को सीख रहे हो, इतना फ़र्क आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छे से आप लेना, मतलब इन्वायरमेंट अच्छा है तो आप उसमें अच्छा लेना चाहेंगे तो अच्छा ले लेंगे, और इन्वायरमेंट अच्छा है तब भी आप अगर नहीं चाहेंगे लेना अच्छा तो आप अच्छा नहीं सीख सकते, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी पावर के साथ सीख रहे हो, समझने का प्रयास कर रहे हो। आप एग्री हो, यहाँ तक समझ में आई सभी को बातें, क्लियर सभी को समझ में आया, बेसिक चीज़ें हैं जो बताई जा रही हैं आपको, इसमें ऐसा कोई भी टफ सेक्शन नहीं है जो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया है, बेसिक बेसिक बातें बताई। चलिए फटाफट जाइए लाइक करके आइए, जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी तक मैंने नहीं कहा ना, चलो गो फास्ट। आप चाहते हैं कि मैं अपनी एनर्जी बनाए रखूं, आपके लिए कार्य करूं, तो आपको तो मेरा सपोर्ट करना होगा, क्यों फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम आपको सलूशन देंगे हर कीमत पर, बेस्ट से बेस्ट करवाएंगे फ्रेंड्स, मेरा क्या ही जाएगा ना, आपकी हेल्प हो जाएगी, कुछ अच्छा हम कर देंगे। चलिए फटाफट कर दिया सभी ने, चलिए कोई बात नहीं, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ उसी के साथ, फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर ब्रीथ का एक ब्रेक ले रही थी इसी बहाने, सांस ले लूँ वरना पढ़ाऊँगी कैसे आप लोगों को। चलिए
आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, देखते हैं वातावरण का महत्व। ये भी महत्व लिखने को आता है एक नंबर दो नंबर में। तो जैसे ऊपर बताया एक नंबर में पूछे तो सिर्फ 5 पॉइंट ऐसे ही लिख दो, अगर दो नंबर में पूछे तो कोई 3 ही लिख के उनके बारे में लिख दो। इससे ज़्यादा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप परेशान ना होइएगा, नंबर आपको मिल जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर वक्त नहीं रहता है, कभी कभी क्या होता है कि 40 प्रश्न मिलते हैं, बच्चे 3-4 क्वेश्चन लास्ट के जो 2 नंबर वाले आते हैं उनको छोड़ आते हैं। क्यों? क्योंकि 1 नंबर वाले प्रश्न में वो 2-2 पन्ना बैठ कर लिख देते हैं। तो भैया ऐसा नहीं करना है, ऐसी गलती मत करना। 1 नंबर का प्रश्न है तो लिमिटेड ही लिखना है, क्योंकि आगे वाला भी करना है, ठीक है। थोड़ा गैप छोड़ दे 1-2 लाइन का नीचे हर क्वेश्चन में, अगर लग रहा है तो पहले कम से कम पूरा कर तो लो, फिर अगर टाइम बचता है तो आके फिर 1-2 लाइन लिख दो तो उतना चलेगा, लेकिन छोड़ आओ वो कोई बहादुरी नहीं है। इसीलिए सतर्कता के साथ कार्य करना, ठीक है। चलिए आगे आइए, फिर इसी टाइम में आगे बढ़ते हैं, आपको नई चीज़ें बताते हैं, देखिएगा जैसा भी होगा बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। पहला पॉइंट प्रभाव महत्व क्या है, व्यक्तित्व का निर्माण की दृष्टि से। व्यक्तित्व के निर्माण में वातावरण का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही गहरी छाप पड़ती है, क्योंकि इससे हमारा एक जो व्यक्तित्व जैसे पर्सनैलिटी होती है ना, सबका अपना खुद का एक पर्सनैलिटी होता है, तो उसी तरीके से इसका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से होता है, सीखने को मिलता है। कहा जाता है ना कि कुछ कुछ दम है, अक्सर होता है जब हम कुछ गलत कर देते हैं या हम बहुत क्रिटिसाइज होते हैं या हम सोचते हैं हमें कुछ नहीं हो रहा, तो हम अक्सर हमें ये चीज़ सुनने को मिलती है, कुछ दम है कुछ मादा है तो करके दिखाओ, तमाम चीज़ें से हमें बोली जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि व्यक्तित्व का निर्माण हमको इसी इन्वायरमेंट से सीखने को मिलता है, क्योंकि ये हमें सीखने का भी मौका देता है इन्वायरमेंट, और ये हमें गिरने का भी चांस देता है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसकी उंगली पकड़ कर आगे बढ़ना चाहते हैं या पीछे रहना चाहते हैं। जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ कि मेरी उंगली अगर आप पकड़ के आगे चलोगे प्रॉपर तरीके से, तो मैं जितना बोलती हूँ अगर कर रहे हैं, जो भी बच्चे मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं जेन्युइन तरीके से मन से, उन बच्चों को कोई भी फेल नहीं होने से रोक, फेल होंगे ही नहीं किसी के, बस मैथ लगाइएगा, बाकी मैं आपको सबको निकलवा, लेकिन आप मैथ अगर आप नहीं लगाएंगे तो फ्रेंड्स मैं नहीं कर पाऊँगी, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ें हैं जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है, अच्छा व्यक्तित्व बनता है उसी निर्माण खराब भी बनता है। मानसिक विकास की दृष्टि से मेंटल डेवलपमेंट ग्रोथ होती है। अब हमें कहीं भी अपना मानसिक विकास यूज़ करना पड़ता है ना, कि हमारा मेंटल डेवलपमेंट कितना हुआ, क्या करना चाहिए। मानसिक विकास का मतलब आप समझते हैं कभी, जैसे कि ये क्या ये कार्य करना सही है, बुद्धि वहाँ पर कार्य नहीं करती, वहाँ पर हमारा मेंटल डेवलपमेंट कार्य करता है कि क्या ये कार्य करना सही है, क्या मुझे ये कार्य करना चाहिए, क्या मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए ये उचित होगा कि नहीं होगा, मुझे क्या करना चाहिए। जब हम मुझे खुद करने की कोई बात आती है तब हम अपने मेंटल डेवलपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ना कि इंटेलिजेंट का। तो वही चीज़ है कि हमें इन्वायरमेंट का इतना प्रभाव पड़ता है, महत्व होता है, कि हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी शुरू से लेकर अंत तक होता जाता है। बुद्धि का भी बहुत प्रयोग होता है, क्योंकि हमें कोई गेम दे दिया गया या हमें कोई टास्क दे दिया गया, या हम सोसाइटी में हैं, सोसाइटी में बोला गया कि हर फैमिली मेम्बर से एक मेम्बर आएंगे, इस पर निर्णय लिया जाएगा, तो हम अपनी बुद्धि का वहाँ पर इस्तेमाल करें। कोई कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सोसाइटी में रहते हैं तो चंदा लगता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वो जो हम लोग जो मेंटेनेंस अलाउंस वगैरह देते थे उसके बावजूद भी कोई होता है, तो हम लोग को भी था कि आप लोग भी इतना तक कॉन्ट्रीब्यूट करिए, तो करना पड़ता था, क्योंकि सोसाइटी का रूल है, सोसाइटी में रहना है, तो उसमें पार्टी होती थी, डांस गाना भजन कीर्तन खाना पीना सब कुछ हो जाता था, तो सब पार्टिसिपेट करते थे। तो वो वहाँ पर करना चाहिए, या कोई निर्णय ले रहा है ये चीज़ सोसाइटी में नई है, लानी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो बुद्धि का भी डेवलपमेंट, या कोई मैथ का सवाल कहीं लगा रहे हैं, स्कूल में है, कॉलेज में है, डिबेट में है, कहीं भी है, तो वहाँ पर भी, और बुद्धि का दिमाग आप जानते हैं कहाँ लगा रहे, जैसे आग लग गई है तो वहाँ पर हमको पानी लेके दौड़ना चाहिए, हमको बोरा चद्दर बालू समथिंग ऐसा लेके दौड़ना चाहिए जैसे हम उस आग को बुझा पाएँ। तो वहाँ पर हम बुद्धि लगाते हैं, वहाँ पर हम मानसिक स्तर नहीं लगाते हैं, वहाँ पर हम बुद्धि लगाते हैं कि हमें क्विक क्या करना है। सपोज हमारा एक्सीडेंट हो गया रोड पर, कुछ भी चीज़ें हो जा रही है, तो हमें क्विक क्या करना चाहिए, फ़ोन करना चाहिए, कॉल करना चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए, या क्या करना चाहिए। तो ये सारा जो काम माइंड हमारा दौड़ता है वो इंटेलिजेंस पावर दौड़ती है, लेकिन जब ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये क्या सही होगा, ये सारी चीज़ें मानसिक डिपेंड करती है। तो दोनों के डेवलपमेंट में अलग अलग पहलू है, उनको समझने का प्रयास आप क्लियर तरीके से करिए, तभी आप हर एक चीज़ को समझ पाएंगे। चलिए शारीरिक विकास होता है, हाँ बिल्कुल होता है, देखते हैं मेहनत करते हैं मतलब डेवलपमेंट होता है। जाति आधार की दृष्टि भी थोड़ी थोड़ी पनपने लगती है, अच्छा बुरा तो ये आने लगती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें एक और लिख सकते हैं सर्वांगीण विकास, होल डेवलपमेंट काफ़ी बढ़िया होता है।
तो चलिए फ्रेंड्स, फिर अब इसके बाद जो है आपका वंशानुक्रम का टॉपिक है जो आपको मैं कल बताऊंगी। तो कल मैं आपका वंशानुक्रम का ओवर कर दूंगी। आज मैंने आपको वातावरण बता दिया, आपकी 25 मिनट की ये क्लास हो गई। नेक्स्ट क्लास आपको मैथ की मिलेगी जो कि आधे घंटे की वो भी रहेगी। तो आप आइए, देखिए, समझिए। छोटा सा टॉपिक आज बता दिया, वातावरण। कल मैं आपको वंशानुक्रम बता दूंगी तो आपका ये भी सेक्शन खत्म हो जाएगा। और भी चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे बताई जाएंगी। वक्त है, पढ़ते रहे, क्योंकि चुनाव गया है टल, इसलिए हो सकता है कि पेपर तो होगा टाइम से, इतना ध्यान रखिएगा। आप अफवाहों से दूर रहिए कि आपको जो सब बता रहे हैं, मार्च क्लियर है, क्योंकि 15 फरवरी के बाद आपका पेपर सब क्लियर हो जाएगा। तो फरवरी के 15 दिन इधर बचेगा और मार्च का वो बचेगा। तो जैसा भी एग्ज़ाम का रहेगा, मार्च फरवरी मार्च का ही रहेगा। अप्रैल तक बहुत कम चांसेस है जाने की, अप्रैल तक बहुत मुश्किल है कि आपका जाएगा, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा सेशन। जैसा भी होगा अपडेट होगी, लेकिन यह है कि 15 फरवरी के बाद से कभी भी जैसे सेशन ओवर तो आपके एग्जाम का कुछ भी रहेगा पता चलेगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया लाइक करिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने टेलीग्राम पर जाकर, राज सर है, अरुण सर चेंज हो गए हैं, वो गए, उनकी जगह पर मैंने किसी और को रखा है, इसीलिए आप जिसको भी लेना हो करना हो वहाँ पर जाकर परचेज करके अपने कार्य को करें, अच्छे से पढ़ें, मस्त रहें, खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर।